नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग जी की न्यूज में। और आज के इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि अगर लीप ईयर ना हो तो क्या होगा और क्या लीप ईयर में 366 दिन होता भी है। दरअसल दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होता है और यह निर्धारण पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कारण किया गया है। और यही कारण है कि फरवरी के महीने में 28 दिन होता है, लेकिन प्रत्येक चार साल में एक फरवरी का महीना ऐसा भी आता है जिसमें फरवरी माह में 29 दिन होते हैं। इस प्रकार कैलेंडर में टोटल 366 दिन हो जाता है। ऐसे में दोस्तों, ये सवाल उठता है कि क्या लीप ईयर वाकई में 366 दिन का होता है और क्या हर चौथे साल में पृथ्वी का स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें ये जानना होगा कि हर चार साल में फरवरी महीना आखिर 29 दिन का क्यों हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। हालांकि हम अपनी सुविधा के लिए इसे सीधा 365 दिन मान लेते हैं। अब दोस्तों, जो बचे हुए लगभग 6 घंटे हैं, इन्हें 4 साल में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल मिला के 24 घंटे यानी एक दिन हो जाता है। अब दोस्तों, कैलेंडर में बाकी सारे महीने 30 दिन या 31 दिन के होते हैं, केवल फरवरी माह ऐसा होता है जो केवल 28 दिन का होता है। इसीलिए चार साल में कैलेंडर में हुआ एक्स्ट्रा ये जो एक दिन बढ़ जाता है 6-6 घंटे करके, इसे फरवरी महीने में ले जाकर जोड़ दिया जाता है, जिस कारण हर चौथे साल में फरवरी महीना 29 दिन का हो जाता है और इसे ही लीप ईयर कहा जाता है। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में अगला सवाल ये जरूर आ रहा होगा कि यदि लीप ईयर्स न हो तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि लीप ईयर नहीं होगा तो जो अंग्रेजों का ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो बेकार हो जाएगा और लोग उसका उपयोग करना बंद कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, ये जो अंग्रेजों का कैलेंडर है, इसे सबसे सरल और आसान बनाने के चक्कर में ही इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है। अतः दोस्तों, यह कैलेंडर सोलर कैलेंडर से मैच नहीं करता और इसे सोलर कैलेंडर से मैच करवाने के लिए प्रत्येक चौथे साल को लीप ईयर बनाना पड़ता है। इस संशोधन के कारण ही इतने सालों से ग्रेगोरियन कैलेंडर उपयोग में चलता आ रहा है। अन्यथा दोस्तों, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अस्तित्व में आने के 100 साल बाद ही इसे रिजेक्ट कर दिया जाता, क्योंकि ये प्राकृतिक घटनाओं की तुलना में 25 दिन आगे निकल जाता। तो क्या अब हम ये मान सकते हैं कि लीप ईयर वाकई में 366 दिन का होता है? तो देखिए दोस्तों, कोई भी साल 366 दिन का नहीं होता। प्रत्येक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड होते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा भी बहुत सारे कैलेंडर अस्तित्व में हैं और इस मामले में भारतीय कैलेंडर यानी जिसे पंचांग कहते हैं, उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना गया है। दोस्तों, यह पंचांग अस्तित्व में है और ये एक ऐसा कैलेंडर है जो स्थानीय भौगोलिक स्थिति के आधार पर बनाया गया है। उदाहरण के लिए दोस्तों, उज्जैन में बनाए जाने वाला पंचांग हिमाचल प्रदेश के पंचांग से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि दोनों स्थानों पर सूर्य के उदय और अस्त होने का समय अलग अलग है। दोस्तों, भारतीय पंचांग बिल्कुल परफेक्ट कैलेंडर है और इसमें कोई भी साल 366 दिन का नहीं होता और न ही पृथ्वी की परिक्रमा की गति में कोई भी अंतर आता है इस पंचांग के अनुसार। वहीं दोस्तों, अगर बात किया जाए कि लीप ईयर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो किसी भी वर्ष में अगर हम 4 से भाग देते हैं और वो विभाजित हो जाता है तो उसे लीप ईयर मान लिया जाता है। जैसे कि दोस्तों, 2024 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, अतः ये वर्ष लीप ईयर्स की श्रेणी में आता है। वहीं दोस्तों, अगर बात किया जाए दुनिया भर में कुछ प्रचलित कैलेंडर के बारे में, तो इसमें सबसे पहला नंबर ग्रेगोरियन कैलेंडर का होता है, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज को इंटरनेशनल लैंग्वेज मान लिया गया है, इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला कैलेंडर बन गया है। दोस्तों, ग्रेगोरियन कैलेंडर मूल रूप से अंग्रेजी भाषा और ईसाई समुदाय द्वारा उपयोग किया जाता है। वहीं दोस्तों, हिजरी कैलेंडर, यह कैलेंडर इस्लाम धर्म के विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया है और इस्लामिक कंट्रीज की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है और यह चंद्रमा को आधारित करके बनाया गया है। वहीं दोस्तों, बात किया जाए बौद्ध कैलेंडर की, तो यह भी चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है और ये बौद्ध धर्म के विशेषज्ञों के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा यहूदी कैलेंडर को भी चंद्रमा और सूर्य दोनों की गति के आधार पर बनाया गया है।
दोस्तों यहाँ पे जानने वाली चीज़ ये है कि बौद्ध और हिजरी कैलेंडर ये दोनों चंद्रमा के आधार पर बने हुए हैं, लेकिन यहूदी कैलेंडर चंद्रमा और सूर्य दोनों की गति के आधार पर बनाया गया है। वहीं दोस्तों चीनी कैलेंडर भी चंद्रमा और सूर्य दोनों की गति के आधार पर बनाया गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करेंगे हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग की, तो यह उपयुक्त सभी कैलेंडर से बिल्कुल अलग है। जैसा कि इसके नाम से ही ये स्पष्ट हो रहा है कि ये प्रकृति के सभी पांच अंग यानी पंचांग, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, पृथ्वी के अंदर का पर्यावरण अथवा वायु एवं पृथ्वी अन्य ग्रहों के बीच का अंतरिक्ष जो होता है उस पर आधारित है ये कैलेंडर। और यही कारण है कि पिछले 5000 वर्षों में इसकी कोई लीप ईयर या जोड़ना घटाना नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि गूगल पर आप जाइए सर्च कीजिए कि 2050 में सूर्य ग्रहण कब होगा, तो गूगल अभी नहीं बता पाएगा। लेकिन दोस्तों भारतीय पंचांग में आप 2050 में सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कितने बज के कितने मिनट पर लगेगा और कब ये ग्रहण खत्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आप भारतीय पंचांग के अनुसार देख सकते हैं और इसमें सेकंड का भी अंतर नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि पंचांग केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी बनाए जाते हैं और ये सभी भौगोलिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इन्हें पंचांग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनकी गणना का फार्मूला ही पांच अंगों यानी हवा, सूर्य, पानी, आकाश और वायु, इन सभी के द्वारा मिलाकर बनाया जाता है। इनकी स्थिति के अनुसार इसे बनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों दुनिया भर में 100 से भी ज़्यादा कैलेंडर प्रचलन में है, लेकिन दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत से विद्वानों का ये भी मानना है कि काल की गणना में दोष के कारण ग्रेगोरियन कैलेंडर कभी भी फेल हो सकता है, इसलिए विद्वान अन्य कैलेंडर का भी निर्धारण या रीडिंग बराबर से करते रहते हैं।